अच्छा पाजी एक और मैनू गल दसो ये जो यू सेड यू राइट योर सॉन्ग योरसेल्फ सो ये जो ये लिखने का काम है इसकी प्रैक्टिस की है कोई या बस ऐसे रैंडमली ये थॉट आने लग पड़े आमद और ये आजकल की शायरी जो है ना वो बड़ा अब जैसे अंग्रेजी के लफ्ज है बीच में सब लोगों को समझ आते हैं अभी आपको मैं अभी मेरा शफकत अमानत अली पाजी के साथ गाना आ रहा अच्छा वो क्या है उसके बारे में आई एम गोना डू आई एम गिविंग यू दैट एक्सक्लूसिव एज वेल ठीक है ना ओके ओए होए होए मजा कभी आओ फुर्सत में हाल दिल तुमको सुनाएंगे कभी आओ फुर्सत में हाल दिल तुमको सुनाएंगे कितने हुए हम पे सितम तुम्हें सब गिनाएंगे कभी आओ फुर्सत में हाल दिल तुमको सुनाएंगे मेरे दिल ते लगियां चोटां नूं मेरा रब जानदा है तू की कीता साडे नाल ओ सब जानदा है मेरे सनम कितने गम तुम्हें सब गिनाएंगे कभी आओ फुर्सत में हाल दिल तुमको सुनाएंगे कभी आओ फुर्सत में हाल दिल तुमको सुनाएंगे क्या बात है पाजी क्या बात है यार क्या बात है सो दिस इज लाइक अ फर्स्ट क्वालिटी हिप हॉप दैट आई एम डूइंग विद शफकत बाजी एंड I think you really like Shafqat Amanat and Rahat Fateh ki aap log khas mohabbat hai aap logon Shafqat paji is like always been I followed him since when he was in India as well paji Sharabi bhai tak gaane gaaye unhone mitwa and all this stuff so I'm a big fan aur uska paji ka ek gaana bhi hai aur aaj jaane ki zid na karo So personally, he's a very humble guy himself. बिल्कुल मेरा पहला जो play था ना कराची में ये first second play साइका नाम था उसका okay. तो उसका जो title track था वो शफकत भाई की आवाज़ क्या बात है क्या बात और वो मेहदी हसन साहब की गजल थी जी जी उस गजल को उन्होंने रीसिंग किया था क्या बात तो वो तो फिर उनका जो आवाज है ना शफकत भाई की वो कमाल है amazing, amazing. The way he sings.